आज के इस वीडियो में जीनियस बच्चों हम छोटी लेकिन काम की बात करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपने डेफिनेटली ट्रिगोनोमेट्री नाम के चैप्टर में इस फार्मूला को देखा होगा, बट ये फार्मूला आखिर होते क्यों हैं आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर चीजों को समझना शुरू करते हैं। इस डेरिवेशन को आगे समझने के लिए आपको दो बातें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये साइन कॉस टेन कॉट्स एक कॉसिक इन सब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या है। साइन के लिए फार्मूला होता है, इसको लेकर के आप मत घबराना, ये एंगल ए हो, सी हो, अल्फा हो, बीटा हो या फिर थीटा हो, कुछ भी हो सकता है। बट साइन के लिए फार्मूला होता है पी बाय एच और कॉस के लिए फार्मूला होता है बी बाय एच। ये आप डेफिनेटली जानते होगे और अगर नहीं जानते हो तो अब जान लो। इसके बाद जो दूसरी बात है वो चीज़ काफ़ी सिंपल है, इस चीज़ को भी आप समझ लो, हालांकि कुछ लोगों को ये ट्रिकी लग सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बताया, हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा, ये तो आप सबको क्लियर होगा, 90 का जो अपोजिट वाला होता है। अब मेरा अगला सवाल है कि आपको ये बताना है कि इसमें से बेस कौन सा है, ये वाला या ये वाला। तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा कि बेस ये वाला है। आमतौर पर अगर आप ऐसा कह भी देते हो तो ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री की जब आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसा बोलना एक हद तक गलत माना जाएगा। देखो बेस ये भी हो सकता है, मैं जानता हूं ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट मेरी बात को आप ऑनेस्टली समझने की कोशिश करो। अब जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो बेस आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सवाल है कैसे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो। अगर आप इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हो और अगर आपने इसका नाम थीटा दिया या कुछ भी दिया तो ये आपके लिए बेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, मैंने अल्फा नाम दिया राइट ना, तो ये वाला बेस हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस एंगल के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हो उससे जो सटा हुआ साइड होगा वो बेस कहलाएगा। ये हाइपोटेनियस, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये 90 का उल्टा वाला अपोजिट वाला होगा। और हाइपोटेनियस क्लियर है, बेस क्लियर है, अब जो बच गया वो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर कहलाएगा। अगर आज से पहले तक ये बात आप नहीं जानते होंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी मेरी बातों को मानने में, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहो तो किसी दूसरे तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो। अब चलिए इस चीज को काफी आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा। इस चीज को आगे समझाने से पहले आपको ये समझ लेना है कि इस एंगल को मैंने कंसीडर किया थीटा, और यहां देखो मैंने थीटा ही लिखा है। अब इस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया, चाहते तो ए भी रख सकते थे। अब आपको सिंपली इतना बताना है कि इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इस एंगल को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल तो 90 हो गया, तो क्या इन दोनों की सम 90 होगी राइट ना। तो इस एंगल की वैल्यू डेफिनेटली 90 माइनस थीटा होगी। आई होप ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने लिखा राइट, दोनों की सम देख लो ना, दोनों की सम कितनी आ रही है, 90 आ रही है। बस इतना ही आपको करना है। अब देखो सारी बातें आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होने वाली है। मैंने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, एज पर द डेफिनेशन ऑफ साइन, साइन फंक्शन इसको बोलते हैं, तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप क्या लिखोगे, पी बाई एच राइट ना, P for perpendicular। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यही होती है कि perpendicular आखिर है कौन सा। तो जाहिर सी बात है हम इस एंगल को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, तो perpendicular ये हो जाएगा। hypotenuse को लेकर के तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इसलिए पहले ही H लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा क्या, perpendicular। तो देखो perpendicular के बदले मुझे लिखना चाहिए ए बी डिवाइडेड बाई एच, के लिए तो कोई एसो है ही नहीं, मैं ए सी ही लिखूंगा, तो मैंने लिखा ए सी राइट ना। अब देखते हैं कॉस थीटा के लिए क्या हम कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा था एल एच एस, अब लिखते हैं आर एच एस। आर एच एस के लिए हम काम करेंगे कैसे, सिंपल कॉस थीटा लिखते हैं। अब बताइए कॉस थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो बी बाई एच है राइट ना। बट ध्यान देने वाली फिर से वही बात है, आखिर बेस है क्या, तो बेस ये है या ये है, क्योंकि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बेस ये हो जाएगा। यानी कि बेस की वैल्यू कितनी हमें लिख लेनी चाहिए, ए बी राइट ना। और एच की वैल्यू क्या होगा, तो ये तो ऑब्वियसली फिर से ए सी ही होगा। तो अब आप देख सकते हो ये जो एल एच एस है और ये जो आर एच एस है, इन दोनों की वैल्यू सेम ही है, और बस इसलिए हम लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और सिर्फ यही नहीं, हम 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा को भी ऐसे ही डेराइव कर सकते हैं।
तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।